और चलिए बात करेंगे पहाड़ समाचार में। देहरादून से बड़ी खबर, चारधाम यात्रा में अब तक 67 लोगों की मौत। स्वास्थ्य सचिव ने चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी दी है। फिटनेस सर्टिफिकेट को अनिवार्य करने की अब तैयारी की जा रही है। यात्रा के लिए मेडिकल हिस्ट्री भी अनिवार्य की जा सकती है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2.25 लाख के आसपास हेल्थ स्क्रीनिंग की गई है। तो देखिए चारधाम यात्रा जारी है, लेकिन अगर आप मेडिकल अनफिट हैं यात्रा करने के लिए तो चारधाम यात्रा पर जाने से बचे, क्योंकि अब इसे अनिवार्य भी कर दिया जाएगा। प्रशासन सख्ती के साथ, प्रशासन की ओर से अनिवार्य किया जाएगा, क्योंकि अभी तक, क्योंकि यात्रा महज शुरू ही हुई है, अभी तक 67 लोगों की मौत चारधाम यात्रा में हो चुकी है। अभी फिलहाल कल तक का जो आंकड़ा है 67 है, लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि पिलग्रिम फ्लो को अगर आप मद्देनजर रखेंगे तो नंबर ऑफ डेथ्स पर पिलग्रिम फ्लो पिछले बार से भी बहुत ज्यादा कम है। तो इस, क्योंकि ये इस चीज का कारण ये है कि यात्री में एक प्रकार का एक्सेप्टेंस है स्क्रीनिंग का, और हमारा स्वास्थ्य डिपार्टमेंट का वो एडवाइजरी भी मान रहे हैं। और जो है यात्रा प्रोसीड करने से पहले जो SOPs हमने उन यात्रियों को अवगत कराया है उसका भी वो भलीभांति अध्ययन कर रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत राठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो सीधा अजीत के पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। अजीत देखिए, मेडिकल फिट होना ये पहली शर्त रखी गई थी जब भी चारधाम यात्रा शुरू हुई थी, बावजूद उसके क्या किसी भी तरीके के लूप होल्स जो है इसमें सामने आते हैं जिसकी वजह से जो आंकड़ा है शुरूआती दिनों में इतना ज्यादा बढ़ गया है? बिल्कुल, देखिए ये आंकड़ा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि 67 मौत कम नहीं होती है, और चूंकि भीड़ इस तरह से जुड़ आई है यहां पर उत्तराखंड में, और तो वही SOP का एक पूरा खेल था, पूरा एडवाइजरी का खेल था, मानक बनाने का खेल था। तो जब मेडिकल फिटनेस की बात अगर रिजर्वेशन के दौरान और रजिस्ट्रेशन के दौरान हो रही है और उस समय कहा जा रहा है कि आप पूरा स्क्रीनिंग करवाकर जब अगर मेडिकल फिट होंगे तभी चारधाम यात्रा में जाएंगे, फिर यात्री जिद करते हैं और हमारी पुलिस और हेल्थ डिपार्टमेंट उनसे एक अंडरटेकिंग लिखवाकर ले लेते हैं कि यदि आपको कुछ भी होगा तो आपकी जिम्मेदारी होगी। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई। सरकार तो नियम बनाने के लिए होती है, किसी को मरने के लिए छोड़ देने के लिए थोड़ी होती है। तो ये तो पहले ही दिन से ये तय होना चाहिए था कि जो पूर्णतः स्वस्थ हैं वही लोग चारधाम यात्रा में जाएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। उसमें भी शिथिलीकरण हो गया, रजिस्ट्रेशन में भी शिथिलीकरण हो गया, तो वो भीड़ जो अभी आपने देखी 10 मई से अब तक जितना जनसैलाब वहां पर जुटा और जितने यात्रियों की मौत हुई, तो ये आंकड़ा वो कम नहीं है। ये जरूर है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल इसी दरमियान जो दिन बीते हैं यात्रा के पहले 17-18 दिन बीते हैं इसमें पहले से बहुत ज्यादा बढ़कर यात्री आए हैं। लेकिन हम केवल ये कंपैरेटिवली और ये कंपैरिजन ही करते रहेंगे तो मौत ही होती है। तो पिछली बार जो स्थिति थी वो इस बार नहीं है। चीजों को ब्रेक करना चाहिए था, चीजों को जो है बैरियर लगाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं लगा। और यात्रियों का सैलाब जिस तरह से यहां पर आया तो पूरा प्रशासनिक अमला, पूरे इंतजाम वो नाकाफी पड़ गए और इसी वजह से मौत का ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। जी बिल्कुल अजीत, और हमने कोरोना के समय में भी देखा था कि लोग ये डरते थे कि उन्हें क्वारंटीन ना कर दिया जाए और इसीलिए कितने लक्षण भी छुपा दिए जाते थे और ये भी एक मेजर इश्यू होता था जिसकी वजह से कोरोना काफी ज्यादा स्प्रेड हुआ। और यहां पर चारधाम यात्रा में भी इसी तरीके की चीजें फिलहाल नजर आ रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे हम जानकारी लेंगे। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। अब देखिए स्वास्थ्य सचिव की ओर से सुविधाओं की जानकारी दी गई है, लेकिन अगर आप अनफिट है तो चारधाम यात्रा